राजेश्वरी, सबसे पहले ये बताइए, परफेक्ट हस्बैंड की शूटिंग करते करते आपको अपने जीवन के परफेक्ट हस्बैंड कैसे मिले? ये परफेक्ट हस्बैंड की शूटिंग करते हुए नहीं, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात हुई कि हमारे एंगेजमेंट वाले दिन स्ट्रेट परफेक्ट हस्बैंड वाज बीइंग प्रीमियर एट द कांस एंड आई वाज गेटिंग एंगेज्ड द सेम इवनिंग द 12th ऑफ मे. लेकिन अब जाहिर है आप दोनों टेलीविजन इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त से हैं, काफ़ी साथ में काम भी किया हो, लेकिन ये हमने काफ़ी साथ में काम नहीं किया, हमने एक ही फिल्म साथ में किया. लेकिन ये रिश्ता कैसे शुरू हुआ, कैसे लगा एक दूसरे को मिलने लगा? कि वरुण को मैं जानती हूँ कोई 4 सालों से, लेकिन तब वो मुलाकात आपके साथ इस प्रोफेशन में है, आप कुछ अच्छे कलाकार होते हैं आसपास जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनसे कभी मुलाकात भी हो जाती है और एक दूसरे का फादर भी करते हैं, दोस्ती भी हो जाती है, और बस वो वहीं तक बात सीमित रही. और कहीं किसी पार्टी में मिल गए तो मिल गए, कभी एक आध बार फ़ोन पर 2-3 मिनट बात हो गई तो हो गई बस उतना ही. और लेकिन जब भी मुलाकात हुई अच्छी मुलाकात हुई, ये नहीं था कि मतलब एक होता है कि किसी को मिलते तो आपको खुशी और वो इंटेलिजेंट हैं और उनके साथ बात करते भी अच्छा लगता है. हमने जब फिल्म की शूटिंग की मार्च में, हम लोगों ने एक फिल्म की फिर से, उस फिल्म की शूटिंग में हमने ज़्यादा वक्त साथ में बिताया और फिर भी कहीं ये नहीं सोचा था कि आगे चल के शादी करेंगे या ऐसा कोई रिश्ता भी आसपास होगा. लेकिन जब फिल्म खत्म हुई तो शायद कहीं कोई बात ही निकली और वरुण ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. मैंने कहा अच्छा, जाके यू गो एंड स्पीक टू माई फादर, से शादी तुमसे करनी है. कहाँ, लेकिन हाँ या ना का जवाब तो वहीं से मिलेगा. ठीक है, मैं 7 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ. इट हैपेंड दैट क्विकली इन 7 मिनट्स. देन ही केम होम, ऑफकोर्स माई फादर इन में, क्योंकि उतनी दोस्ती होती है कि मुलाकात होती थी. समहाउ थिंग्स फेल इनटू प्लेस. इन चीज़ों के लिए बताएं कुछ ऐसा कोई कारण इस तरह से नहीं होता, कुछ चीज़ें बस हो जाती हैं. सबको यूँ लगता है उस पल के लिए कि ये सही. और शायद मेरे माँ बाप को भी ये बात लगी हुई कि ये जो बंदा है, इस लड़की की इस बंदे का निभ जाएगी. पता नहीं उस वक्त वो हो गया. और फिर जब वो घर आए तो मेरे पापा ने कहा कि तुम दोनों बच्चे नहीं हो, समझते हो, लेकिन थोड़ा वक्त ले लो, सोच लो, ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं, और सोच लो, एक घंटा ले लो. आई सेंड इन अ बियर व्हाइल आई थिंक. सो वेल, इन दैट 1 आवर आई जस्ट लुक्ड एट हिम एंड बर्स्ट आउट लाफिंग. आई सेड व्हाट इज दिस, बट समहाउ आई सेड सो, आई सेड ठीक है, ऑल राइट, आई सेड फाइन. इट वाज, बट इफ यू आस्क मी नाउ इन हाइंडसाइट, आई थिंक द फैक्ट दैट आई डिडंट से नो टू हिम means that I knew that I can't say no to this guy. I'm not saying yes to him because I'm not sure about getting into something like that. But मैं ये कह सकती हूँ जितना भी मैं उन्हें जान पाई उस दौरान, मैंने एक दोस्त से शादी की और वो दोस्ती टच हुआ. अभी बस खैर अभी 1.5 महीना ही हुआ है शादी को, लेकिन वो दोस्ती भी कायम जब हो गया. इनफैक्ट 6 महीने का हमारा एंगेजमेंट पीरियड था, उसमें तो हमें दैट वॉज आर कॉर्टशिप पीरियड. और वो 6 महीने तो मेरे को देखते हंसते ही रहते थे, ये क्या हो गया, ये कभी सोचा था, नहीं सोचा था. आई डोंट नो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेम कहानी लगी है. वो एकदम कहते ना प्रॉपर अरेंज मैरिज की तरह पिताजी. इट्स अ वेल थॉट आउट थिंग, लेट मी टेल यू कि बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट एन इम्पल्सिव डिसीजन, इट वॉज वेल थॉट आउट. यहाँ दो लोग थे जो चाहते थे कि चलो शादी करें, शादी करते तो आप अंधाधुंध नहीं चल पड़ते कहीं किसी रास्ते में कि चलो यार ये बंदा ठीक लगा और आपने शादी कर ली. कहीं जाके आपका दिमाग बहुत कुछ असेस कर लेता है कि हाँ ये है वरुण बड़ोला, ये है राजेश्वरी, हम दोनों इस तरह से सोचते हैं. और जितनी बार भी एज दोस्त हमने चीज़ों को डिस्कस किया तो हम समझते हैं कि एक दूसरा एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में किस तरह सोचता है और क्या उसकी थिंकिंग है. तो कहीं जाकर तो वो आपका जो माइंड है इट सम जस्ट वर्क यू नो. वेट आई मच लेटर रियलाइज दैट in those 6 months also, even when you're in a relationship, you know, there's one thing that's very common in a relationship, you don't understand, you know, I'm trying to get this across, you do understand, the problem is you don't understand, you know, these things are very common, but touch wood, I think with us, we
never have to say you don't understand. Varun said something very nice. I told him that Monday. I said, you know, the thing is, we never have to say to each other that we don't understand. Yeah, we choose to ignore is another matter. But but we do understand. So, I don't know. Things just fell into place. आपके कहानी से ऐसा लग रहा है कि यू नो आज के इस दौर में जहाँ से अफेयर्स फ्लिंग्स इतने कॉमन है इट्स ओके टू फॉरगेट गो अराउंड विद समवन कभी भी कहीं भी आपको लगता है इन सब चीज़ों में और शादी में एक बहुत गहरा अंतर है. देखिए पहली बात तो आजकल के ज़माने में फ्लिंग्स विंग्स कॉमन है ऐसी बात नहीं. फ्लिंग्स विंग्स हमेशा से कॉमन रहे हैं लेकिन वो कितने सामने आते हैं वो एक अलग बात है. बट नहीं वो भी ठीक है. कुछ लोगों के लिए वो जरिया सही होता है अपने लाइफ पार्टनर तक पहुँचने के लिए. और कभी कभी ज़िंदगी ऐसा ही मौके देती है आपको कि यू आप जब किसी रिश्ते में जाते हैं तो आप यही सोच के सोचते हैं कि दिस गुड बी हैप्पी एंडिंग एंड वी गुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर बट इट माइट नॉट हैपन दैट. लेकिन जहाँ तक शादी का सवाल है वो चाहे आपके प्रेमी से हो या फिर सडनली अरेंज्ड मैरिज हो या जो भी हो बेसिक मुद्दा ये होता है कि आप सिर्फ दो इंसान नहीं हैं जो एक बंधन में बनने जा रहे हैं. रिश्ता परिवारों का हो जाता है. फैमिलीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैरिज आई पर्सनली फील एंड दैट्स हाउ वर्म फेल्ट. फॉर मी ऑल्सो आई न्यू एग्जैक्टली हाउ ही वॉज इट दिस फैमिली ही इज वेरी क्लोज टू हिज फैमिली एंड दिस लाइक वाइज मेरा जो अपने परिवार वालों का रिश्ता है वो हम ऐसा नहीं हो कि आप बड़े हो गए और आप अपने रास्ते चल रहे हैं और आपके माँ बाप हमेशा सही हैं वो अपने रास्ते चल रहे हैं. हम सब मिलजुल कर ही कोई डिसीजन लेते हैं मिलजुल कर के सब कुछ करते हैं. तो वो वाली बात एक बहुत कॉमन थी हम दोनों के बीच विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज फॉर हिम टू अंडरस्टैंड माई रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड बिकॉज आज द रिलेशनशिप ही शेयर्स विद हिज फोक्स. पता नहीं एक बात बताऊँ इसको ज़रा हम लोग ज़रा समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी बातें निकलेंगी और ये बहुत सारी फिलोसफिकल बातें भी निकलेंगी लेकिन एट द एंड ऑफ इट थिंग्स जस्ट फेल इनटू प्लेस एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मैं ये बात दोहराती हूँ कि मेरे आसपास जो लोग हैं जिन्होंने आपको बड़ा किया है जिन्होंने जो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये समझते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं ज़िंदगी से क्या चाहते हैं उनका एक रिश्ते से खुश होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. और जब मैंने वो सारे चेहरे देखे अपनी शादी वाले दिन और वो खुशी देखी तो मुझे ये तस्वीर हुई कि चलो ये कुछ अच्छा हो गया. आगे ज़िंदगी में क्या लिखा है कोई नहीं जानता. हमेशा थोड़ा डर करके आती हूँ ये लेकिन शुरुआत अच्छी रही. तो अब अच्छी बहू का किरदार निभाने की पूरी तैयारी चल रही हो जितनी अच्छी हो सकती हो सकती है. नहीं आई थिंक I've got into a good family and they are fun to be with. वहाँ पर भी सारे प्रोफेशनल्स हैं घर पर. तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है कि मूविंग टू अ सिमिलर फैमिली दे आर रिलेटेड माई फादर इन लॉ इज इन द थिएटर माई सिस्टर्स इन लॉ वन इज इन अ मीडिया शी इज अ आरजे द अदर वन इज एन एक्ट्रेस. सो माहौल वही है और सब बढ़िया है. और क्या बोलूँ सब बढ़िया है. और एक बात बताइए अब तक आपके और वरुण में से सबसे रोमांटिक मोमेंट कौन सी रही है? वो जी जब हम मिलते हैं ना रोमांस हो जाता है. आई डोंट नो द मोस्ट रोमांटिक मोमेंट लेट मी थिंक. ओके ही डज वेरी स्वीट थिंग while you were engaged and he was traveling to Singapore, I think. I don't even remember. Yeah, he was traveling to Singapore. Raat ki flight thi. Aur 12 baje ke kareeb thi flight, I'm not sure. Aur acha baby, I am boarding the flight. Okay, good night. Okay, bye bye, bye bye. See you soon. Okay, okay, bye. And I'm very sleepy. So the thing is, I can sleep at 8:30 and he sleeps at 4 in the morning. So I'm already drowsy, but I'm just being so nice and sweet and I'm awake till about 12:30 till he boards his flight and I'm at home and I said, yeah, have a safe flight. Okay, bye. And I said, aaj jao. Yeah, so jao. Ab main phatak se so gayi. After about a couple of hours, I get a call. And he says, hi. I said, your flight didn't take off? He says, no, I'm calling you from mid-air. He actually called me from mid-air. I don't know how many thousand feet up there and he called me. I woke up, I said, kya? And I thought it was sweet. Apart from that, everybody expected ki 31 December ko hum dono saath rahenge aur
नए साल का जो आगमन होगा, साथ साथ हम नए साल में प्रवेश करेंगे, लेकिन ऐसा था कि उनका काम था तो वो अपने शो पे चले गए, मेरा भी शो था जो कैंसिल हो गया, तो मैं मुंबई में थी। सुनीता ये क्या बात है, सो अनरोमांटिक, यू ऑल डिडंट स्पेंड न्यू ईयर्स टुगेदर। आई सेड नो, वी आर वेरी रोमांटिक बट वी आर नॉट प्रेडिक्टेबल, दैट्स आवर रोमांस, नॉट प्रेडिक्टेबल। वैसे इसी मुद्दे पर आने वाले थे कि आप दोनों इतने बिजी रहते हैं, आपकी आज पूरे दिन छूट है उनके, तो आप एक दूसरे के लिए वक्त कितना निकाल पाते हैं, कितना मिल पाते हैं? मोबाइल फ़ोन जिंदाबाद, और इसके अलावा वक्त निकल जाता है। सुबह का वक्त होता है, रात का वक्त होता है जिसमें मुझे जल्दी सोने की जल्दी होती है, और जैसे कि पुरानी आदत, पर ठीक है हो जाता है आई गेस। हम दोनों को ये बात तो पता है ना कि जब एक दूसरे की बहुत ज़रूरत होगी साथ में तो हम साथ होंगे, और हमारा काम ही ऐसा है, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, अब तक तो कोई मुद्दा नहीं बनाया। तो आप फ्यूचर प्लानिंग किस हिसाब से है, आप एक्टिंग करनी है वो भी कर रहे हैं, क्या ऐसा है कि कितने वक्त तक आप शायद एक्ट करना चाहें या इनकी? देखिए कितने वक्त तक करना चाहें ये तो पता नहीं, लेकिन जब तक अच्छा और समझ बूझ वाला काम मिलेगा तब तक हम काम करेंगे, और अपने आप के बारे में यही कहूँ जब तक इट्स गुड व्हाइल आई एंजॉय इट आई विल बी एट इट। हाँ परिवार भी चलेगा, सब कुछ अपने अपने वक्त पे सही पड़ेगा। देखिए शादी भी वक्त पे हो गई ना, शादी करो शादी करो शादी करो, वो भी सही होगी, ठीक ठाक लड़के से भी हो गई और अब सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, लाइफ विल गो ऑन स्मूथ एंड नाइस। सबसे रोमांटिक मोमेंट आपके शादी के दौरान? हमारी शादी के वक्त का मोस्ट रोमांटिक मोमेंट, हमने ये डिसाइड किया था कि देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लड़का लड़की को देखा नहीं, लड़की लड़की को देखा नहीं, अब देख चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वन हैव अ वेरी ट्रेडिशनल वेडिंग, सो वी ऑल फॉलो ऑल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड ऑल दैट, इट्स वेरी रोमांटिक। तो हमारी तरफ ये होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं, कोई क्या रहा है, 21 दिन के लिए ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा तुम्हें देखा 21 दिन हम लोग देखेंगे, ना फ़ोन पे बात करेंगे ना एक दूसरे को देखेंगे। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि फ़ोन पे बात ना करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि शादी को लेकर इतनी डिस्कशन होती है ना, कभी कुछ है, ही शूटिंग एंड आई शूटिंग, 21 दिन एक दूसरे से नहीं मिले, तो सब हंस रहे थे हम पे ऐसे नहीं होने वाला, नहीं नहीं 21 दिन हम लोग दूसरे से नहीं, हमने कोई चीटिंग नहीं की, और वो 21 के 35 दिन हो गए, क्योंकि उसके पहले हम दोनों अलग अलग शहरों में शूट करते थे, तो 35 दिन तक शादी से पहले वी डिडंट सी ईच अदर। सो ऑन द डे ऑफ द वेडिंग he was on the stage and I walked up. I think when I walked up, I saw him, but I didn't see him. And somehow we couldn't see, I mean, look into each other's eyes for a long, long time. Because it was very strange and weird because stage for me and I just looked the other way because I just couldn't bring myself to look at him. It was so awkward. It was so strange. It was so beautiful. And after about 3-4 minutes, I thought, yaar, ye bahut ajeeb badtameezi hai ki main stage pe hi pahunch gayi, hum ek dusre ko dekh hi nahi rahe, dusre ko mil rahe hain, dusre ko dekh rahe hain. So I just turned and I it is so cute, I'll never forget that moment, just couldn't look at it.